Students, so today we are going to discuss about regional aspirations. Regional aspirations के topic को जानने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम word region को सबसे पहले जाने कि region का मतलब क्या होता है. Region एक territorial unit होता है जिसके अपना खुद का particular religion होता है, language होता है, culture होता है and ethnic groups होते हैं. उस particular territorial और geographical unit को एक region कहा जाता है. कभी कभी ऐसे regions में कुछ regionalism की demands जो हैं वो rise हो जाती हैं. So what is this regionalism? Regionalism basically होता है एक strong feeling of pride and loyalty towards your own region. अपनी region के प्रति एक pride की feeling होना, उसको regionalism कहते हैं. Also regionalism is a kind of desire अपने region के प्रति कि आपके region को ज़्यादा से ज़्यादा power मिले, तो जो ऐसी चाह भी रखी जाती है उस process को भी regionalism कहा जाता है. इंडिया के अंदर बहुत सारे रीजन्स ने ये रीजनलिज्म की डिमांड जो थी वो अपराइज की थी. इस लेक्चर में हम उन पर जाने से पहले कि वो कौन कौन से रीजन्स थे, वील फर्स्ट गो एंड फाइंड आउट कि व्हाट वाज द इंडियन अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी. व्हाट इज़ दिस डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी इज़ ऑलवेज़ रिलेटेड टू वेराइटी, वेराइटी ऑफ कल्चर, वेराइटी ऑफ रिलीजन, वेराइटी ऑफ एथनिक ग्रुप्स, उसे जो है डाइवर्सिटी कहा जाता है. यूजुअली इंडिया ने तीन मेन अप्रोचेज जो थी वो अपनाई थी डाइवर्सिटी से डील करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर. फर्स्ट अप्रोच यही थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी रीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया. कोई भी एक ऐसा रीजन नहीं है जिसके राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट ना किया हो. सेकंड, इसने डील किया है ना डेमोक्रेटिक वे. कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जिसको इंडिया ने डेमोक्रेटिक वे से डील ना किया हो. इंडिया की जो अप्रोच रही है डील करने की रीजन एंड रीजनलिज्म की डिमांड से, वो हमेशा डेमोक्रेटिक सेंस में रही है. थर्ड, रीजनल पार्टीज़ काफ़ी सारी पावर में आई. ऐसा नहीं हुआ कि हमेशा रीजनल पार्टीज़ को उनकी रीजन से, पावर से दूर रखा हो. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि हम यहाँ दे सकते हैं, असम गाना परिषद, द्राविड़ा मुनेत्रा कज़गम, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुनेत्रा कज़गम एंड शिवसेना. ये कुछ मेन रीजनल पार्टीज़ थी जिन्होंने जो है अपने अपने रीजन में काफ़ी मेन इम्पॉर्टेंस कमाया है. तो ये मेन तीन अप्रोचेज़ थी इंडिया की टू डील विद द क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी एंड टू डील विद द एस्पेक्ट ऑफ रीजनलिज्म and regional aspirations which rises in so many states. जो इतने सारे राज्यों में regionalism की demand उठती है, उन तीन main मुद्दों से, उन regional demand से deal करने के लिए हमारी सरकार ने ये तीन ways जो थे वो अपनाए थे. पहला यही था कि rights को जो है protect करना है सभी region के. सभी रीजन को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलर राइट्स देता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है. सेकंड है कि जब भी कोई ऐसी रीजनलिज्म की डिमांड किसी भी रीजन में उठती है तो वो डेमोक्रेटिक वे से बिहेव करता है, वो नेगोशिएशंस करता है, वो कंसेंसस करता है, वो बातचीत करके मसले को हल करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट है कि वो रीजनल पार्टीज़ को पावर देता है. रीजनल पार्टीज़ भी अपने अपने रीजन में पावर को अटेन कर सकती हैं. ऐसा नहीं है कि उनसे पावर दूर रखता है या उन्हें पावर नहीं देता है. इसके बाद जो मेन टॉपिक आपका आता है वो ये है कि व्हाट वर द अरेनाज ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट विच राइजेस इन इंडिया ड्यूरिंग द स्फेयर ऑफ 1980s. 1980 के दशक में हमारे देश में जो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हुए थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहला तो यहाँ पे आपको मेंशन्ड है कि बहुत सारी मूवमेंट्स हुई थी रिलेटेड टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए. एंड इसीलिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था वो बनाया गया था 1956 में, जिसने 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज सबसे पहली बार जो है कार्व्ड आउट की थी. In which year? In 1956. Then there was also tensions related to the formation. Ki formation kis basis par kiya jaye? What should be the basis to carve out the states? States ko banane ka main motive kya ho? Main base kya ho? Jinke basis par states banai jaye? To hamari sarkar ne chuna linguistic basis. What is this linguistic basis? On the basis of language. Language ke basis par ये स्टेट्स जो थी वो बनाई गई. नेक्स्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई एंटी हिंदी.
हिंदी को जो है नेशनल लेवल लैंग्वेज बनाने के लिए बहुत सारी डिबेट्स हुई थी। पहली पहली बार जब ये डिबेट्स चली थी तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने में सबने मतलब अपना कंसेंसस शो किया था, लेकिन जैसे ही बनाने वाले थे डिमांड्स उठी कि नहीं, हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं बनानी चाहिए, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो उठाए गए थे। और कुछ मूवमेंट्स जो हुई थी वो थी द्रविडियन मूवमेंट जो तमिलनाडु के अंदर की गई थी, जिसके बाद द्रविड़ा डीएमके पार्टी जो थी वो फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप के टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट थे। फोर्थ है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स था जिनमें कुछ स्टेट्स ने डिमांड किया कि हमें सेपरेट स्टेट्स बना दिया जाए। पहले पहले तो ऐसे स्टेट्स के डिमांड थे कि हमें सेपरेट नेशन बना दिया जाए, लेकिन क्योंकि हमने डेमोक्रेटिक वे से डील करने की कोशिश की, हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छे से नेगोशिएट करने की कोशिश की जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी अच्छा रोल था, तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को बस सेपरेट स्टेट देकर, उनको ऑटोनॉमी देकर ही हमारी सरकार ने उन्हें संतुष्ट कर दिया था। ऐसी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स उठी थी वो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है मिजोरम एंड नागालैंड। ठीक है, तो MNF पार्टी बनी थी मिजोरम में जिसने काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट किया था जो 2 decades तक चला भी था। हम इनको डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसे एज एग्जांपल लेकर समझिए। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट मेन प्रॉब्लम आई थी वो थी मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। मिलिटेंसी जम्मू एंड कश्मीर जो है काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा से ही ये एक आप समझ सकते हैं कि एक लिविंग एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो है ना हमेशा से ही कोई ना कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट या सोशल कॉन्फ्लिक्ट या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट या रिलीजियस कॉन्सेप्ट पे कॉन्फ्लिक्ट चलता आया है। तो ये भी सबसे बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट था जो उस समय हमारे देश ने फेस किया। नेक्स्ट वर्ड ट्राइबल मूवमेंट्स। ये ट्राइबल, व्हाट इज़ दिस वर्ड ट्राइबल हेयर मीन्स? देर आर सर्टेन काइंड ऑफ ट्राइब्स इन आर कंट्री। हमारी कंट्री में स्टेट से रीजन से भी एसोसिएटेड कुछ ट्राइब्स होते हैं और ये ट्राइब्स के लोग अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी खुद की ऑटोनॉमी पाने के लिए कुछ डिमांड्स करते हैं हमारी सरकार से। तो उन डिमांड्स को ये कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सरकार तक कैसे सर्कुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट्स। तो ऐसे कौन से ट्राइब्स थे जिन्होंने ट्राइबल मूवमेंट्स किया, उनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे बोदोस, दिमासास। ठीक है, इन्होंने जो है ट्राइबल मूवमेंट्स किया था नॉर्थ ईस्ट में टू गेन ट्राइबल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट वर अदर रीजनल प्रोटेस्ट, जो छोटी छोटी रीजनल प्रोटेस्ट होती रहती है, कहने में हम कह सकते हैं कि रीजनल प्रोटेस्ट छोटी होती है बट इनकी डिमांड्स काफ़ी बड़ी होती हैं। दे नीड देयर प्रॉपर रीजनल आइडेंटिटी। ये अपनी रीजनल आइडेंटिटी के लिए लड़ते हैं एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, कलेक्टिव लेवल पर, कलेक्टिव मैनर पर आकर सिस्टमैटिकली जो है प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसे कुछ डिमांड्स रेज हुए थे जैसे UP में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में एंड महाराष्ट्र में। सो ऐसे जब टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होते हैं किसी कंट्री में या फिर किसी रीजन में, ऐसी प्रोटेस्ट उठती हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ होते हैं, टेंशन अराइज़ होते हैं, और इनसे लड़ने के लिए हमारी सरकार ने, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये 3 मेन अप्रोचेस जो थी वो अपनाई थी। पहली कि उनके राइट्स, जैसे अगर ऐसी कोई डिमांड उठती है, कोई प्रॉब्लम उठती है तो उन रीजन्स को उनके राइट्स दिए जाएं, उनके राइट्स को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, प्लस उनसे डील करने का एक ही तरीका है एंड दैट इज़ डेमोक्रेटिक वे, टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ नेगोशिएशंस, बातचीत करना, कंसेंसस करना, आर्बिट्रेशन को रोकने के लिए, ऑटोक्रेसी को रोकने के लिए इस तरीके से डेमोक्रेटिक वे से डील करना। नेक्स्ट है रीजनल पार्टीज़ इन पावर, पावर देना उन रीजनल पार्टीज़ को ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी अटेन हो सके। सो इट वॉज टुडेज़ लेक्चर एंड अ सर्टन काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑन रीजनल एस्पिरेशन। इन द नेक्स्ट चैप्टर आई विल बी पोस्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑन जम्मू एंड कश्मीर। कीप फॉलोइंग। थैंक यू।